सो हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली गाइज। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी जियो फोन चलाते हैं तो आपके लिए बहुत सो हेलो गाइज, मैं हूँ हर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं गुरु जी टेक्नोलॉजी। जी हाँ गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी गाइज। और आज की वीडियो के देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे गाइज। ये यूट्यूब में हम पहली वीडियो आपके लिए बना रहे हैं नॉलेज से रिलेटिव, जो आपकी जियो फोन में बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, जहां पास आप वीडियो देख के खुद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ गाइज, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप भी जियो फोन चलाते तो कैसे आप एक कॉल लगाते कि नहीं अपने जियो फोन से, आपका प्ले स्टोर डाउनलोड होने लगेगा। जी हाँ गाइज, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आप वीडियो का मेन टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे, जहां से आप जियो फोन में कॉल लगाते कि डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ गाइज, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा गाइज, नहीं तो आप मेन टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ गाइज, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी हाँ गाइज, आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल गुरुजी टेक्नोलॉजी में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आप जहाँ पास भी आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं, तो इसको पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन वहाँ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइज। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा सबसे पहले, जिससे आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले गाइज। तो गाइज, हम जियो से रिलेटिव ऐसी बहुत ढेर सारी जानकारी लेके आते रहते हैं जो आपके बहुत ही काम की होती है। छोटी से छोटी सी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी हम आपके पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले गाइज। तो गाइज, और साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी गाइज। और आपको हम लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि जियो फोन से कॉल लगा के कैसे आप अपने जियो फोन में प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते गाइज। तो गाइज, सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत व्यूवर्स ऐसे रहते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं, पूरी वीडियो को देख लेते हैं, पर उसमें लाइक कमेंट्स कुछ भी नहीं करते गाइज, तो साथ में और ना ही सब्सक्राइब करते गए। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाना है, ना आपको पैसा देना है, ना कुछ करना है, इसमें आपको पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री रहता है। आपको नीचे जाएंगे तो एक लाइक का बटन होगा, ऐसे एरो बना होगा, तो प्लीज़ उसमें जाके उसमें आप क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही काम की होने वाली वीडियो गाइस। और साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे लाइक करके सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर भी आपको पैसा नहीं लगेगा, बस आपको बस क्लिक कर देना सब्सक्राइब के ऊपर। जैसे ना आप अपने बटन से क्लिक कर देते सब्सक्राइब के ऊपर, तो हमारे जितनी भी अपडेट हम बनाएंगे वीडियो, नई वीडियो, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन भी उसी के बगल में रहती है, बेल आइकन भी दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ट्रिक है जहां पास आप कॉल लगाते कि नहीं इस आप प्ले स्टोर डाउनलोड शुरू हो जाता है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप हमसे लाइव चैट करना चाहते हैं, या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम रिप्लाई में आपको दे देंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे लाइव चैट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा इंस्टाग्राम भी जाके फॉलो कर लीजिए। जी हाँ गाइस, हम इंस्टाग्राम में भी एक्टिव रहते हैं, वहाँ पास भी आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम से हमें 24 आवर्स आप हमसे चैट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ट्रिक है जहाँ पास आप जियो फोन से कॉल लगाते हैं कि प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं हूं हर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हो गुरुजी टेक्नोलॉजी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोबारा आपको बोल देते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जी हाँ गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आपके पास फर्स्ट टॉपिक ये है कि आपके पास कौन सा जियो फोन है, नया वाला जियो फोन है या पुराना वाला जियो फोन है। अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपके पास जौन सभी जियो फोन है, अगर आपके पास पुराना वाला जियो फोन है या नया वाला जियो फोन है, या जो अभी बिल्कुल नया लेटेस्ट जियो फोन आया है वो वाला जियो फोन है, तो जियो फोन में भी बहुत ढेर सारी वैरायटी रहती है, जिसमें से एक लाल डिब्बा वाला रहता है। तो जो लाल डिब्बा वाला रहता है वो कुछ इस प्रकार का जियो फोन दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो इस प्रकार का जियो फोन दिखता है जो लाल डिब्बा वाला रहता है। इसकी आकार थोड़ा गोलाई जैसा रहता है, इसका कैमरा भी पीछे गोल जैसा बना रहता है। तो जो आप लाल जियो वाला डिब्बा वाला, जो लाल कलर का जियो का डिब्बा आता है बॉक्स इसका फ़ोन का, तो वो इस ऐसा फ़ोन रहता है। और जो एक ग्रीन कलर की भी आता है, आसमानी कलर का जियो फोन का डिब्बा, तो वो वाले जियो फोन में वो चौकोर रहता है, इस प्रकार का नहीं रहता, उसमें जो कैमरा भी चौकोर रहता है, और जो इसमें गोलाई इसमें चौकोर रहता है। और साथ में जो अभी एक लेटेस्ट जियो फोन आया है
तो उसकी बात ही अलग है। जो जियो फोन आया है इस समय मार्केट में बहुत ही अच्छा है, उसमें 2 साल का आपको रिचार्ज भी मिल जाता है, तो उसका भी थोड़ा गोल ऐसे ही रहता पर उसका थोड़ा बटन लुक और भी अच्छा है। उसमें वो नए वाले जियो फोन की बात ही नहीं, बहुत ही अच्छी। उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पुराने वाले जियो फोन में देखने के लिए नहीं मिलते हैं पर वो फ़ोन में आपको मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको स्क्रीन शॉर्ट तक का ऑप्शन आता है, बहुत ही अच्छा। उसका थंबनेल जो उसका थीम ईम है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जियो फोन है। पहले टॉपिक में हम आपको बताते हैं कि आपके पास जौन सा भी जियो फोन है पुराना नया, तो आप सबसे पहले आप अपना नाम सहित जियो फोन का मॉडल नंबर आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो बहुत ढेर सारे जियो फोन ऐसे रहते हैं जिसमें काम नहीं करता, तो उनको बता देते हैं कि आप अपना नाम और जियो फोन का मॉडल सहित आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, तो अगली वीडियो में भी हम आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जी हाँ गाइस, और बात करते हैं कि कैसे आप अपने कॉल लगाते कि नहीं जियो फोन में आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने गाइस 1 से 2 घंटे पहले हम अपने कमरे में थे, तब हम अपने फ़ोन चला रहे थे। फ़ोन चलाते समय हम YouTube खोले गाइस, तो YouTube में हम बहुत ही सही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखते रहते हैं जो हमारे काम की रहती है। कोशिश हम करते हैं कि हम अपनी कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं। चाहे आप चेक कर सकते हैं हमारी पूरी वीडियो में हम अपना ही कंटेंट बनाते हैं, पर हम अपने फन वीडियो को टाइम अधिकतर थोड़ा बहुत टाइम हम YouTube में भी देते हैं देखने के लिए। तो हम YouTube जब हम चला रहे थे तो उसी दौरान हमारे सामने एक वीडियो आया था, तो वीडियो जैसे आया था तो वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ था गाइस कि वापस आप एक कॉल लगाते कि नहीं आपका प्ले स्टोर जियो फोन में आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ गाइस, वीडियो हमको कुछ देखने में इंटरेस्टिंग लगी, पर थोड़ी बहुत हमारे मन में क्वेश्चन आया कि ये वीडियो फेक हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन अभी जियो फोन में नहीं आया है कि जियो फोन में एक कॉल लगाते कि नहीं जियो फोन में प्ले स्टोर डाउनलोड होना शुरू कर दें। तो गाइस हमने इसको थोड़ा सर्च करने की कोशिश की कि ये वीडियो क्या सही बना है या फिर, तो हमने इस वीडियो को हमने खोला YouTube जब देख रहे, तो इस वीडियो को हमने YouTube से थोड़ा क्लिक करा और थोड़ी सी उस वीडियो को हमने वॉचिंग करने की कोशिश की, थोड़ा देखने और समझने की कोशिश की। तो वो जो शख्स जो बोल रहा था वो इस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा था कि जैसे वो जियो फोन में कॉल लगाते कि प्ले स्टोर डाउनलोड कर देगा ही, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं, वैसे ही मतलब एक प्रकार से वो फेक ट्रिक बता रहा था, पर लोग ऐसे उसमें भरोसा कर सकते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखते तो आप भी भरोसा कर देते, पर वो फेक वीडियो बना रहा था। हमने सेम उसकी जैसी ट्रिक करने की कोशिश की, वैसा ही नंबर अपने जियो फोन में हमने डायल किया और कॉल लगाया, और जैसे वो कॉल लगाया तो उसकी में सेटिंग ओपन हो गई, और अगर हमने उसी नंबर सेम टू सेम जो वो अपनी स्क्रीन में फ्लैश किया था वही मेरे नंबर पर हमने कॉल किया था, तो हमारे में जियो फोन ने बोला कि ये नंबर अमान्य है। मतलब हमने 2-3 बार कोशिश किया, 2-3 बार उसके हम 5 से 10 बार उस वीडियो को देखे, अच्छे से देखे, एक एक पॉइंट हमने देखा और सेम वैसे करे, फिर भी नहीं है। तो गाइस बहुत अगर यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, बहुत यूट्यूबर, सब की बात हम नहीं कर रहे, बहुत यूट्यूबर जो अच्छी वीडियो बनाते हैं, पर बहुत बिल्कुल थोड़े से यूट्यूबर कुछ ऐसे हैं जो अपने वीडियो में लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए फेक वीडियो बना देते हैं, और उनके जो ऑडियंस और व्यूवर्स रहते हैं उनके में विश्वास मान जाते हैं और अपना कीमती समय उनके फालतू वीडियो में गवा देते हैं। पर हम आज की वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आपका जो इम्पॉर्टेंट टाइम है, जो आपका जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो किसी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने में ही इन्वेस्ट हो, किसी फालतू वीडियो देखने में इन्वेस्ट नहीं हो। तो हमारी वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए गाइस कि कॉल लगाने से कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जहाँ पास आप कॉल लगाते कि नहीं आपका जियो फोन में प्ले स्टोर डाउनलोड होने लगे गाइस, तो वो सरासर फेक वीडियो थी। हम उस चैनल का नाम नहीं बता सकते आपको, पर आपके लिए इतना ही समझदार के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके लिए इशारा ही समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है गाइस। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा, पर बहुत वीडियो जो इस समय देख रहे होंगे तो प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत जन समझ रहे होंगे कि बता क्या रहा था और लास्ट में इसने क्या बता दिया, इसने तो बता दे कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जी हाँ, अगर चाहते तो हम भी आपके लिए फेक वीडियो बना सकते रहें और ऐसा कुछ करके दिखा सकते रहें, तो हमको क्या घाटा मिलता, हमको तो प्रॉफिट ही मिलता, हमको लाइक भी मिलते, व्यूज़ मिलते, सब्सक्राइबर भी मिलते, पर हमने कोशिश किया कि आपको सही दिखाने की कोशिश किया कि आपके पास सही नॉलेज जाए। हमको ये नहीं दिक्कत है कि लाइक या व्यूज़ कम आए, हमको ये रहता है कि आप तक, ऑडियंस तक, सब्सक्राइबर तक सही से सही अपडेट तक पहुंचाया जाए, जिससे उनके मन में सही अपडेट रहे, सही बात रहे, गलत बात नहीं रहे। तो गाइस हमारा उम्मीद यही है, कहने का मतलब यही है कि आप तक हम सही बात बता सकें, गलत बात नहीं बताएं। बाकी लोग कोई बहुत जन ऐसे रहते हैं जो गलत सब्सक्राइबर और लाइक पाने के चक्कर में गलत वीडियो बना देते हैं, फेक वीडियो बना देते हैं, पर हमने सोचा कि आप तक हम सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत जो आपके सच्चाई बताने की, हमने वीडियो को बनाने का मतलब यही कि आप तक हम सच्चाई दिखा सकें, जिससे
कि आपके जियो फ़ोन में या जो वीडियो बनाया था जियो फ़ोन से ऐसे कोई भी इफेक्ट नहीं जहाँ पास आप कॉल लगाते कि नहीं आपके पास प्ले स्टोर डाउनलोड होना शुरू कर देगा। तो गाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड करने का आपका क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं जी हाँ गाइस, अगर आपके जियो फ़ोन में जब जियो का जियो टीवी है जियो मूवी है मतलब जियो का जब इतने ढेर सारे ऐप्स बनाया है तो जियो फ़ोन ने खुद का एक ऐप जियो स्टोर बनाया जो आपके जियो फ़ोन में अवेलेबल है जहाँ पर जियो से रिलेटिव जितने ऐप उस जियो एप्लीकेशन जियो ऐप जियो स्टोर में जो अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेम से रिलेटेड और बहुत ढेर सारे ऐप्स हैं उसमें जहाँ पास आप डाउनलोड करके आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो जियो में खुद ही पहले से ऐप दिया हुआ है जहाँ पास आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपकी ये थोड़ी सी वीडियो पसंद आई है और आपको लगा कि हमने आपके तक सच्चाई तक पहुंचाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं फिर से आप फिर से रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप वीडियो पूरी देखें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिसमें सब लोग तक सच्चाई पहुँच सके और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। तो हम मिलेंगे गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करते रहेंगे कि हर बार आपके तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। तो गाइस हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम गाइस। आप